अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। ये मैंगो के कुछ क्यूब्स हैं। ये एक मैंगो है, ये इसको एक किलो एक मैंगो, ये इसको ऐसे डाला, इसमें थोड़ी चीनी डाली। चीनी क्या हो गया, चीनी डलती है क्या इसमें? चीनी डाली और ये एक गिलास जो है ये दूध का इसमें जाएगा। पहले इसको हम थोड़ा ग्राइंड कर लें मैंगो को। मैंगो को ग्राइंड कैसे करेंगे? ये मैंगो हमारा ग्राइंड हो गया। अब इसमें हम एक गिलास इसमें हम दूध का डालते हैं और ये कुछ क्यूब्स ये डालते हैं। बाहर ये 200 का गिलास मिलता है और हम घर में ये बनाए। बहुत ही जल्दी बन जाता है माशाल्लाह। ये देखें इतना ठंडा और वीआईपी बना है। आप चाहें तो इससे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। आइसक्रीम से बनती है क्या? कोई और देखे जलता है दिल। कौन देखता है तुम्हें जो तेरा दिल जलता है? बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जल्दी जल्दी हाथ चला। समझ में नहीं आ रही। ये भिंडी आधा किलो है, पाव है। अरे यार ये भी शुक्र करे 15 दिन किसके साथ में की हुई है पता नहीं। जब तक ये भिंडी नहीं काटोगे तब तक नाश्ता इम्पॉसिबल। पक्की भिंडी है? पक्की पक्की मीन भूरी हो गई है। हाँ तो बता रहा ना, कोई 15 दिन की रखी हुई मिक्स कर दी है इसके साथ, कोई 10 दिनों की रखी हुई मिक्स कर दी है। 3 किस्म की भिंडी है इसके अंदर। अभी काम ही नहीं करने वाला है ना कि भाई चलो ईमानदारी के साथ हम काम। तुम ईमानदारी से काम करते हो जो सब्जी वाले करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये काट के दो, फिर मुझे आटा भी गूंद के दो। हाँ। पता है क्या है, जो क्या है नहीं है तू अपना जो तुम आटा गूंदते हो ना उसकी रोटियां इतनी लजीज बनती है। तो तू भी थोड़ा ईमान दिखाया कर ना आटा गूंदने में। तुम्हारे हाथ नहीं है, ये मशीन है। मशीन ऐसे आटा गूंदता है। असल में तू हो गई है काम चोर, हद हराम। मसला ये है नायक नहीं कल नायक हूँ मैं। हालत देखे ये भी खलनायक है। खलनायक है तू, खलनायक का, खलनायक नहीं खलनायक का। मैं भी शराफत से जीती मगर वो देख। क्या भिंडी से पूछ रहे हो कि किस सिटी की हो, कहाँ से आई हो? हैदराबाद की हो, सांगढ़ की हो? और इस भिंडी में हकीकत है ये 3-4 शहरों की मुक्त भिंडी है इसमें। तुम्हें क्या पता? पता है ना मुझे, बताओ हैदराबाद की कौन सी है। हाँ जो अच्छी अच्छी होगी ना वो ये निकालेगा, क्योंकि ये हैदराबाद ये मलेर की भिंडी है ये वाली। ये
और ये जो छोटी छोटी भिंडी है ना, ये बदीन साइड की भिंडी है। अच्छा, और लाड़का ना की मेरे गांव की कौन सी है? वहाँ की सब्जी इधर नहीं आती है। नहीं आती है, यहाँ पे मलेर की और बदीन की साइड की भिंडी होती है। तो हो गई, बातली हो गई, इधर की होती है। व्यूअर्स, इसको बड़ी नॉलेज है इन चीजों में, मुझे नहीं। तो अभी हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, तो नाश्ता बना लूं फिर आपसे कनेक्ट होती हूँ। ये मैंने नाश्ता बना लिया, ये भिंडी बनाई है और ये पराठा बनाया है। उसे बाहर निकल आए, ये यहाँ खेल रहे हैं। और ये जो साइड में खड़ा है ना, ये भी मलका का बच्चा है जो बड़ा हो गया है, ये मुर्गा है। मुर्गियों ने बहुत बार गंद किया है, क्या करें? मुझे क्या बताओ, मुझे बस 20,000 हो ना तो मैं इनका घर बना। 20,000 मुझे दे दो तुम उधार, अगस्त में मुझसे लेना वापस, मैं इन मुर्गों का घर बाहर बनवाऊं। मैं आपसे कितने लूंगा? मैं आपको कितने दूंगा? हाँ, 5। कहाँ से दोगे मुझे? 20,000 दो बस। 20,000 नहीं, आपको 1 करोड़। अगस्त में मुझसे वापस लेना जब यूट्यूब की इनकम आ जाएगी। वाटर बकेट वाला गेम प्ले दिखाओ कि क्या है। ये देखो, ये वाटर बकेट में चला तुम्हारे करो। मैं दिखाओ, ये क्या है? माइनक्राफ्ट, मिनी क्राफ्ट। कितनी अच्छी है, मुझे लगता है। अरे मैं हूँ, मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ये तुम हो? ये मेरा मोटू है, मोटू घोड़ा। और मोटू कुछ कह दे रही मैडम जी। फ्रिज में क्या है? टमाटर है और हरी मिर्च है और ये 3 आम और ये 4 पाई हमने यहाँ रख दी, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही थी इसलिए हमने यहाँ रख दी बरामदे में, जहाँ पहले डाइनिंग टेबल हुआ करता था। लेके आओगे या ऐसे ही बैठे रहोगे? व्यूअर्स, ये सवेरे सब्जी नहीं लेके आता और फिर कहता है कि खाना दोपहर का हमें नहीं देती। अब मैंने इसको कहा है, नाश्ता इन लोगों ने कर लिया, भिंडी जो फ्राई की थी, अब जब ये लाएंगे आई थिंक सो आज ना तूरियां लेके आना। चने की दाल नहीं बना रही, फिर ऐसा करो 1 पाव मुर्गी ले आओ, आधा पाव। यार आधा पाव मुर्गी, आधा पाव मुर्गी लाओ बस। आगे आपको बता रहा हूँ, डायमंड कैसे रहते हैं? इसको डायमंड की फिक्र, हमें जीने की फिक्र। व्यूअर्स क्या करें, आप लोगों के घर में भी ऐसे होता होगा कि डेली खाने के लिए परेशानी कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। मेरे घर में ऐसा होता है और फिर होती है मेरी और सिकंदर की ठीक ठाक लड़ाई। अब ये जा नहीं रहा, सब्जी वाला आता है 9 बजे आता है और उस टाइम मैं सो रही होती हूँ। 28 बजे अब है ना, रात को ही तुम ना सब्जी ले आया करो। और मैं अब चाट बनाऊंगी मंडे से लेकर संडे तक, मंडे को मुर्गी बनेगी और ट्यूसडे को तूरी बनेगी, वेडनेसडे को दाल बनेगी, थर्सडे को बैंगन बनेंगे, फ्राइडे को बिरयानी बनेगी, सैटरडे संडे हम बाहर खाएंगे। ओए चाट अच्छा बनाया है, सैटरडे संडे हमें बाहर खिलाना। नहीं नहीं, तुम ना वो अब्दुल्ला शाह गाजी के लंगर पे हमें ले जाना, वहाँ खाएंगे। तुमसे तो बस यही उम्मीद है। अरे सैलानी वाले व्यूअर्स, आपको मैं बताती हूँ, सैलानी वाले माशाल्लाह और JDC वाले इतना अच्छा खाना खिलाते हैं ना, ये वेलफेयर वाले बकरे बकरे।
नहीं मैंने देखा था ना एक मरतबा में ग्रोसरी लेने गई थी तो ने देखा था बकरे काट रहे थे। इतनी अच्छी रोटी खिलाते हैं गरीबों को और फिर लाइट खराब हो गई। पता नहीं लाइट को भी क्या हो गया है, जैसा सिकंदर वैसी लाइट, इसने लाइट को पता नहीं क्या किया है, दिमाग मेरा खराब किया है। और ये देखें अभी तक ये ना मुझे पिंपल्स दो तीन जो हैं जा नहीं रहे, इसलिए मैं ब्लीच भी नहीं कर रही। करो क्या करूं? और इसने मुझे आज धमकी दी है कि मेरी क्लेंजिंग करो। इसको ईद के कपड़े भी लेके देने, क्या करके क्या करूं?